जी, हमें उजंता का दोस्त और आपका होस्ट आशीष चौधरी। और अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार, जी हाँ, कोरोना के पेशेंट बढ़ने की वजह से मुख्यमंत्री साहब ने कुछ निर्णय लिए हैं। अब वो निर्णय क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, क्योंकि कोरोना जो है वो अपने पैर फिर से फैलाने लगा है। जी हाँ, यंत्रणा को जो है वो बिल्कुल भी कतराई बरतनी नहीं है। जो कोविड के लिए जो लोग जो नियुक्त किए गए हैं उनको उसी तरह से काम करना है। ये इसलिए भी हो गया है कि बीच में कई लोग जो है वो कोविड नीचे जा रहा है तो उस वजह से ढिलाई में चले गए, और ढिलाई में जाने की वजह से अब कोविड के पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब ने चिंता दिखाई है, उद्धव जी ठाकरे साहब ने चिंता दिखाई है इस मामले में। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये भी कहा है कि जिन एरिया में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं वहाँ पे कंटेनमेंट जोन करना भी आवश्यक है। जी हाँ, साथ ही साथ उनके जो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोरोना उपचार के लिए जो क्षेत्रीय रुग्णालय का कार्य में आए हैं उनके स्ट्रक्चरल ऑडिट करना इस निर्देश से स्थानिक राज्य संस्थानिक ग्रामीण यानी शहरी भागात सार्वजनिक ठिकाने शौचालय बस स्थाने उद्याने या ठिकाणी निर्जुतीकरण करने काम हाथी घेणे नियमों का पालन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, कोरोना के जो नियम शासन ने बनाए हैं उनको पालन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कोरोना के नियम के लिए जो निधि देने में आया है वो 31 मार्च तक जो है वो उसकी यूज की परवानगी दी है। ये डेप्यूटी सीएम जी हाँ श्री पवार जी ने दी है। जन आरोग्य योजना में मार्च तक मुद्दत वाट देने तक भागा ज्यादा से ज्यादा रुग्ण को क्रमबद्ध करके उसको नियंत्रण में लाने की कोशिश करनी है। ऐसा जो है वो आरोग्य मंत्री राजेश टोपे जी ने कहा है। जी हाँ, आते हैं महत्व के मुद्दे क्या है कोरोना के संसर्ग में। जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में वार हो रही है वहाँ पे टारगेट पद्धति से काम करना है, और एक रुग्ण को किमान 20 पण माझे कुटुंब माझी जबाबदारी मोहीम राखून राज्यात आरोग्य तपासणी तयार केल्या। यातील यह व्याधी रुग्णाची परत आरोग्य कर्मचाऱ्यांची विचारपूस सुरू करा। ज्या ज्या व्यावसायिक संस्था संघटना लॉकडाऊन उघडण्यासाठी आपणाकडे येत आहे होत्या त्या सर्व संबंधित संस्था संघटना यांच्या परत एकदा बोलून SOPची कोटे काटेकोर अंमलबजावणी होईल अशी खात्री घ्या। जिथे कंटेनमेंट आवश्यक आहे तिथे कंटेनमेंट करायची जबाबदारी अमलदारी हे भी रखनी पड़ेगी। जी हाँ, और इस तरह से बैंक्वेट हॉल और ये सब जगहों पे जो है वो हॉल मॉल यहाँ पे भी कार्रवाई होगी। जो भी भाग में रुग्ण ज्यादा मिलेंगे वहां पे विवाह संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शादियों का सीजन चल रहा है और जहां जहां विवाह के मैसेज है वहां पे पुलिस की परमिशन लेनी पड़ेगी। पुलिस से परमिशन लेके ही आप शादी ब्याह कर सकते हैं। जी हाँ, तो ऐसा जो है वो जो बैठक हुई थी उसमें जो प्रधान मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार हैं अजोय मेहता, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सीताराम कुट्टे, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव आशीष कुमार सिंह,
प्रधान सचिव विकास खरगे, सचिव आबा साहेब जवाड़, आरोग्य विभागाचे के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभाग के प्रधान सचिन सौरभ विजय आदि ये सब लोग उपस्थित थे। तो आप सोच सकते हैं, ये मैंने आपको जो न्यूज आई है वो मैंने थोड़ी पढ़ के बताई है। मैं माफी चाहता हूँ कि मेरा चैनल इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मैं सामने स्क्रीन पे देख के प्रोजेक्ट करूँ और पढ़ूँ। मैं खुद ही अकेला टीम हूँ, अकेला शूट करता हूँ, अकेला एडिट करता हूँ और अकेला ही जनता के सामने पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी जनता अपना प्रेम मेरे साथ रखेगी। मैं मानता हूँ क्वालिटी में हम थोड़े से कम पड़ जाते हैं, मगर उसका कारण ये है कि आर्थिक जो है वो मदद हमें बाहर से नहीं मिलती है। बहुत कम कभी किसी का प्रोग्राम हुआ तो उसमें किसी ने कुछ जिसको के कहते हैं मानधन, वो अगर कर दिया तो उसकी बात अलग है। बाकी हमें किसी भी न्यूज़ का हम कोई भी चार्जेस नहीं करते हैं, ना ही हम TRP के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, YouTube से भी मैं TRP नहीं ले रहा हूँ। यदि आपको चाहिए तो आप पता कर सकते हैं। चलता हूँ दोस्तों, आपका प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। कोरोना से सावधान, माजा कुटुंब माजी जवाबदारी, समझदारी इसी में है कि अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, बार बार दूरी बना के रखिए। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कोशिश करें कि भीड़ ना हो। जी हाँ, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।